नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हम बात करेंगे देश प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि छतरपुर जिले के मऊ सहानिया में बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल के समाधि स्थल पर छत्रसाल लोक बनाया जाएगा। उन्होंने भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में महाराणा प्रताप स्मारक के भूमि पूजन के बाद यह घोषणा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप और फिर स्थानीय लोगों द्वारा उसकी मदद ना किए जाने के मामले पर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। स्वाति मालीवाल ने दोषियों को पकड़ने की अपील तो की है, साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन की मांग की है जिन्होंने उस बच्ची की मदद नहीं की। काशी एक्सप्रेस में चोरी करने की साजिश रचते हुए तीन बदमाशों को कटनी जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम को आरोपियों से चोरी में उपयोग होने वाले औजार सहित लाखों का मशरूका बरामद हुआ है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हाईकमान ने 1 अक्टूबर को राजधानी भोपाल में सत्ता संगठन की बड़ी बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव के लिए शेष बचे प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। इंदौर में जैन समाज के तीर्थ स्थल गोमटगिरी पर अतिक्रमण का विवाद फिर गहरा गया। बुधवार दोपहर 2 बजे जैन समाज के लोग पर्युषण पर्व छोड़ गांधीनगर थाने के सामने धरने पर बैठ गए। वे अतिक्रमण करने वाले गुर्जर समाज के लोगों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। विरोध बढ़ता देख भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आधी रात को बैठक बुलाई। बैठक में तय हुआ कि जैन और गुर्जर समाज के 2 या 3 प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मसले का हल निकाला जाएगा। मध्य प्रदेश के गुना में ईद ए मिलाद उन नबी के बैनरों में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई सदस्य की तस्वीर लगाने के बाद हड़कंप मच गया। जिस पीएफआई सदस्य की तस्वीर को बैनरों में लगाया गया उसका नाम मोहसिन कुरैशी है। एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने कुरैशी को साल 2022 में गुना से पकड़ा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने सितंबर 2022 में देश भर में छापेमारी की कार्रवाई की थी। इस दौरान एमपी से गिरफ्तार किए गए प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के 21 सदस्यों में मोहसिन कुरैशी शामिल था। फिलहाल सेंट्रल जेल में बंद है। रीवा शहर में गुरुवार को सुबह की शुरुआत चैन स्नैचिंग की वारदात के साथ हुई। यहां सुबह सुबह किराना सामान लेने घर से निकली महिला के गले से बाइकर्स ने सोने की चैन तोड़ ली और धक्का मारकर जमीन पर गिराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना सुबह शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र हुटेही के समीप हुई थी। वारदात को अंजाम देने के बाद एक और जहां बदमाश शहर के अंदर की ओर भागे तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान करने का प्रयास किया है। शहडोल जिले में इन दिनों नशे के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत चौकी केशवाही अंतर्गत बर्तर गांव में पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर एक आरोपी को पकड़ा है जिसके कब्जे से मादक पदार्थ गांजा 1 किलो से अधिक मात्रा में जब्त हुआ है। आरोपी के कब्जे से नकदी रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने पूरन सिंह कौन के घर में छापेमारी कार्रवाई की है। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमत 13,000 रुपए और नकदी 1,44,000 रुपए जब्त किया है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं वैसे वैसे नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जबलपुर में बुधवार की रात को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और यूथ कांग्रेस के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे समीर दीक्षित ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। समीर दीक्षित ने मुख्यमंत्री के हाथों भाजपा की शपथ ली। सतना में जश्न ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान गुरुवार की दोपहर मंच टूट जाने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सतना शहर में ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान लालता चौक में बनाया गया स्वागत मंच भरभराकर नीचे गिर गया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।